जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। एंड यस, आपने आज फाइनली वो कर दिखाया जिसके लिए आप लास्ट 5 से 6 महीने, कोई 2 महीने दिन में से आप प्रिपेयर कर रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने भी पेपर में अच्छा किया है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज की वीडियो में एक आपको कंप्लीट एनालिसिस ओवरव्यू देने वाला हूँ, एज एन एस्पिरेंट भी सोचूंगा, एज ए मेंटर भी, कि आपने कितना कितना स्कोर किया। देखो यार, बहुत सारे बच्चे इनरोल थे अपने सीरियस कोर्स में, सो उनका जो फीडबैक मिला है, उनका जो आउटपुट निकला है कि भाई उन्होंने इंग्लिश में कितना किया, मैथ में क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मैं आज आपको बताने वाला हूँ। प्लस एट द एंड हम कट ऑफ की भी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको वन बाई वन समझाऊँ कि आज अगर आपका इंग्लिश का, मैथ्स का एंड जीके का पेपर हुआ है, सो जब सारे बच्चों के फीडबैक को इकट्ठे किए गए, आपने देखा होगा मॉर्निंग में, मतलब आफ्टर 2 AM के आसपास मैंने इंग्लिश की आंसर की भी ली थी। तो अगर डेडिकेटली आपने डिफेंस मिनिया के यूट्यूब चैनल को, या फिर बस अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोर्स नहीं फ्री वाला कंटेंट फॉलो किया होता, तो अभी आप बहुत अच्छा स्कोर करके आए होते, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली अपने वीडियो से आए हैं। आज एक क्वेश्चन आया था अवनी लेखरा वाला, दैट बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 पैरालंपिक्स मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक्स। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया था कि भाई किसमें मिला था, शूटिंग में मिला था, शूटिंग गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन होता है, दैट इज INS तावर के बारे में बात हुई थी कि भाई ये रिसेंटली इसने पार्टिसिपेट किया है 2 डेज नेवल एक्सरसाइज में। शिवानी मैम ने आपको एज इट इज सेम क्वेश्चन करंट अफेयर्स में कराया था। भाई देखो, अगर तुमने ये क्वेश्चन पढ़ के गए होगे और तुमने करेक्ट किया है तो कमेंट जरूर करना, राइट। सो इंडियन नेवल शिप INS तावर, एक दो नहीं, आप क्वेश्चन देखो, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ये सेम चीज कॉन्वेक्स वर्सेज कॉन्वेक्स के बीच में, कि भैया कब कब नेचर, ये एक वीडियो थी कॉन्केव वर्सेज कॉन्वेक्स जिसमें हम टॉप 23 टॉपिक कराने वाले थे, उसमें सेम कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रिपीट था। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली कि भैया ये आकर आपका रेयर है, डेंसर है, मतलब हर एक चीज में, कि अगर ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो, देखो बात सिंपल सी थी, चाहे क्वेश्चन आपके फिजिक्स के थे, चाहे आपके करंट अफेयर्स के थे, चाहे पॉलिटी की तो बात ही मत करो भैया, मतलब आप ये सोचो पॉलिटी की बात नहीं कर रहे, करंट अफेयर्स से लेके इंग्लिश तक में आप सबने धमाल मचा दिया है। अगर डेडिकेटली फॉलो किया था, डेफिनेटली तुम लोग को बहुत मजा आया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, ये जो आपके आया था, व्हाट इज द रेंज ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल, साफ साफ एक क्वेश्चन यहाँ पे कि अग्नि प्राइम एडवांस वर्जन के बारे में। और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि अगर ये तुक्का लगाया और MCQ आपका फंस गया, ना भैया, ये कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ा दिया गया था कि भैया इसका जो रेंज है वो 1000 से 500 किलोमीटर के बीच में आ जाएगा, जो आपका वैरी करते रहता है। इसके अलावा इसके क्या क्या शॉर्ट रेंज है कि नहीं है, इसमें क्या क्या खासियत है, सब कुछ तमीज से बता दिया गया था, राइट। अगेन इसके बाद देखोगे, ये आपका एक क्वेश्चन पॉलिटी का था, पॉलिटी के क्वेश्चंस को एक जगह कंबाइन करके मैं डाल दूंगा, एक पार्ट 20 अमेंडमेंट की वीडियो से और एक पॉलिटी कंप्लीट वाली क्लास से। अगर इसके बाहर से आपके एक भी क्वेश्चन पॉलिटी के बने होंगे तो आप बताना, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली बने हुए। दिस शोज कि जो फैकल्टी आपको डिफेंस मैनिया के यूट्यूब पे या कोर्सेज में प्रिपेयर करा रही है, अगर उसने मल्टीपल टाइम, मैं हूँ, शिवानी मैम, कोई भी फैकल्टी अगर आपको पढ़ा रही है, अगर आप अपनी सीरियसनेस दिखाओगे वीडियो में, तो आपका पेपर क्वालिफाई होगा। इस बार आपने अच्छा स्कोर किया है, दैट्स फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द साइड ऑफ कंप्लीट डिफेंस मीनिया टीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर द SSB। उसके लिए भी जितनी हेल्प हो पाए हम आपकी करेंगे, बट यस, अगर नहीं तो आज ही वो दिन है जिस दिन आपको तमीज से वो फैसला करना है कि जो CDS 1 2022 का एग्जाम होने वाला है, उसमें तुम क्या करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो, पेपर कैसे क्वालिफाई होगा, भैया कितने अटेम्प्ट वेस्ट करने हैं। भाई देखो, एक चीज आपको मैं ये सारे सिलसिला आके ना इतना तो बता दूंगा कि भाई तुम्हारा ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ यार मुझे पढ़ाई करनी है। एंड नंबर ऑफ दिखा दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये काम सारे करते हैं, बट एट द एंड पढ़ना तुम्हें क्या है, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। अब देखो, मैं ना एक तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ, जो एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो, तो मेरी बात को समझना। आप जब CDS एग्जाम के बारे में सोचते हो, चलो आज का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि आपका पेपर मॉडरेट है, अच्छा नहीं हुआ, या फिर आप ये सोच रहे हो कि यार पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप देखो, आपको तैयारी करना है CDS 1 2022 एग्जाम की, ठीक है। आप क्या करते हो, देखो मेरी बात समझना, आप क्या करते हो, आप कंप्लीट सिलेबस की कोई वीडियो देखोगे, कंप्लीट सिलेबस को जानोगे और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। मैं आपसे ये कहता हूँ, ये सबसे बड़ी गलती है, मेजर मिस्टेक जो बोलते हैं, जो सारे एस्पिरेंट करते हैं।
आपको क्या करना है, मान लो आपको CDS 122 की तैयारी करनी है, आपको इनिशियली एक मॉक सॉल्व करके, एक आपको इंग्लिश का, एक आपको जीके का और एक आपको मैथ्स का, ऑनेस्टली विद इन टाइम ऑफ 2 आवर्स सॉल्व करके देखना चाहिए कि भैया खुद से कितनी औकात है अभी तक जो पढ़ा है, आप कितना लेके आ पाओगे, आप कितना स्कोर कर पाओगे। मान लो एज फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते हैं कि एक बच्चे ने इंग्लिश का मॉक अपीयर किया और उसने ऑटोमेटिकली उसमें 55 मार्क्स स्कोर किए, राइट। अब जब वो आंसर की चेक करेगा एंड ही गॉट टू नो कि भैया उसका एरर वाला पार्ट में बहुत गलती है, उसके वर्ड सही नहीं हो रहे, उसके idiom सही नहीं हो रहे, पैराग्राफ अरेंजमेंट ये सब कर लेता है, नाउ ही हैव टू फोकस ओनली ऑन एरर सिनोनिम एंड जो आपका idioms वाला पार्ट है उसको वो पता चल गया, राइट। तो उसके उसका जो एफर्ट है वो 100% से सीधा क्या हो गया, 50% होगा। यही चीज आप नहीं करते हो। सो आई विल सजेस्ट यू, अपने जितने भी कोर्सेस है ना बच्चों के, हम एनालिटिक्स को ही देख रहे होते हैं कि उसने फर्स्ट मॉक में परफॉर्म कैसे किया और उसके आगे किस किस पार्ट में उसको ध्यान देना है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। एंड दिस इज द राइट वे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो, जब तक आपका एग्जाम आए आप वेल प्रिपेयर्ड हो। एंड ट्रस्ट मी, इसीलिए हमारे बच्चों का सिलेक्शन रेट इतना अच्छा है। वी फील वेरी प्राउड कि भाई जब पेपर में आपका फीडबैक देखते हैं ना स्क्रीनशॉट में, अभी इंस्टा पे डालूंगा कंपाइल करके, आप देखना हर एक चीज में मतलब यार मैं क्या बोलूं, इतनी रेस्पेक्ट बस जो है ना वो मतलब यही अर्न करी हुई है, राइट। अभी मैं बात करूंगा आपके पेपर के लेवल की कि आपके पेपर में क्या क्या चीजें आपको आपके लायक सही रही। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश आपका मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट क्यों बोला मैंने, इसलिए बताता हूँ मैं आपको। कहीं कहीं मुझे वर्ड्स, देखो यार एक होता है इजी कि भाई पेपर बहुत इजी है सबने किया, एक होता है टफ कि भाई किसी ने नहीं, तो ये मॉडरेट लेवल का है। जो प्रिपेयर करके गए थे उनके भी, मतलब कि अगर आप इसमें देखोगे इंग्लिश वाले में, तो मुझे पता है आप कहीं ना कहीं 80+ में अटेम्प्ट करके आए होंगे। एवरेज अटेम्प्ट जो है 80+ वाला है और उसके बाद बहुत लोगों ने 100+ में अटेम्प्ट किया, बट ठीक है आपका इंग्लिश आज का मॉडरेट लेवल का था। अगर मैं जीके में बात करूँ, जीके में स्पेशली हिस्ट्री एज यूजुअल टफ आती है, पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ से आई है। फिर भी जिसने मॉडर्न और एंशियंट की क्लास देखी थी उसके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे थे, ये तुम भी जानते हो। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी, पॉलिटी आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल थी। क्या थी? कॉन्सेप्चुअल थी, मतलब जिन्होंने डीप में पढ़ा हो, ऐसा नहीं कि सीधा आर्टिकल उठाया और पूछ दिया, जिन्होंने पढ़ा हो, जिनको पता हो कि ये आर्टिकल के अमेंडमेंट कैसे कैसे होता है, इमरजेंसी कैसे कैसे लगती है, उस पार्ट में पूछा गया। मतलब जिन्होंने तमीज से पढ़ा होगा उनको समझ में आया होगा। फिजिक्स के क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले थे। डायरेक्ट का मतलब क्या कि ये जो समराइज फॉर्म में आपको काजल मैम ने पढ़ाया भी था या फिर जो एमसीक्यू की सीरीज कराई थी, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, उनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर कवर करते हैं। केमिस्ट्री एंड बायो को मैं बोलूं, आपका जो केमिस्ट्री एंड बायो का लेवल था वो आपका मॉडरेट था, तो दुखी मत होना भैया तुमसे नहीं हुआ है तो फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री एंड बायो का जो लेवल था वो आपके मॉडरेट लेवल का था। इसके अलावा इको की भी तो अगर मैं बात करूं, तो अगर इको को मैं इजी बोलूंगा, इजी इसलिए बोलूंगा क्योंकि एक शिवानी मैम ने वीडियो बनाई थी और वहां से डायरेक्टली 3 क्वेश्चन आए हुए थे, सीधा का सीधा 3 क्वेश्चन, तो ये आपके इजी में है। एंड करंट अफेयर्स आपको डिफेंस मैनिया ने इस बार कितनी हेल्प करी, देखो यार लास्ट टाइम भी तुमने बहुत बोला था, तो इस बार तुम्हारा काम है कि करंट अफेयर्स की जितनी वीडियोस गई थी तुम्हारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए ऑनेस्टली कमेंट करके बताना, और वही बताना जिन्होंने पूरे ही वीडियो को कवर कर रखा हो तमीज से। तो ये आपके पेपर का ओवरऑल एनालिसिस था कि भाई कैसा पेपर, कैसा कैसा रहा, ताकि मैं आपको एक लग जाए। देखो यार आप अकेले देखते हो तो आपको कुछ और लगता है, बट यहाँ मैं 500 बच्चों की बात कर रहा हूँ कि भाई ये 500 एवरेज बच्चे हैं जिनको पेपर ऐसा ऐसा महसूस हुआ, ठीक है। होपफुल तुम्हें समझ में आया होगा, इसके आगे मैं बात करूंगा। अच्छा ठीक है, सबसे पहली चीज, तुमने पेपर बहुत अच्छा किया है, आई विल सजेस्ट जब तक तुम्हारा मेरिट में नाम ना आ जाए, क्या मेरिट में नाम ना आ जाए तो प्रिपरेशन को हल्की नहीं करनी है। फॉर फर्स्ट 100 जो अभी पहले 100 बच्चे इनरोल करने वाले हैं, एस्पिरेंट इनरोल करने वाले हैं, दे कैन यूज कूपन फर्स्ट 100, ये कूपन कोड यूज कर लेना वहाँ पे डिफेंस मैनिया ऐप पे जाके। एंड येस योर बैच इज स्टार्टेड फ्रॉम 20th नवंबर, 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको देखो एक काम करो, ये CDS का कोर्स अराउंड 1500 का है, आफ्टर द कूपन फर्स्ट 500 ऑफ आपका फर्स्ट 100 आपको 500 का कंप्लीट ऑफ मिल जाता है, तो ये कोर्स आपका 999 का हो जाएगा। नाउ ट्रस्ट मी इन 999 एक बार कंपेयर करना कि आपको कौन वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस 1-to-1 डाउट सेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक्स PDFs, एंड इस बार आपको मॉक्स भी परचेस नहीं करें, 10 फुल मॉक्स आपको पर्सनली मिलेंगे, प्लस हमारे ऐप पे एक नया फीचर है जिसके थ्रू 1-to-1 हम कॉल के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास। तो भैया और क्या चाहिए तुम्हें, एक बार कंपेयर करो एंड
यू कैन सी द क्रेडिबिलिटी कि कितने क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे. अगेन जितने क्वेश्चन तुम चाहोगे तो मैं उतने क्वेश्चन दिखा दूंगा जो सीधे आए हैं और जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट. तो इनको आप जाके इनरोल कर सकते हो. मेक श्योर कि आप आज रात तक इनरोल कर लो क्योंकि ये कूपन हट जाएगा. देन अगेन यू हैव टू परचेस ऑन 1500. हमारे साथ ही फाउंडेशन है, मैक्सिमम बहुत बच्चे इनरोल करते हैं उस टाइम पे. फिर अगर इनरोलमेंट को रोका नहीं या फिर नए बैच का प्लान नहीं किया तो फिर गाइडेंस में प्रॉब्लम होती है. सो वीडियो के बाद, वीडियो कंप्लीट देख लो, वीडियो के बाद तुम्हें सीटें टाइम मिलेगा, जाके आराम से इनरोल करना, ठीक है. अगेन बाकी अगर तुम्हें कूपन फुल दिखाई देता है तो यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर 8581958807. सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स एंड मस्ट लाइव क्लास में पढ़ेंगे, सब कुछ मिलेगा, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपके भैया, इंग्लिश से लेके करंट अफेयर से लेके इको तक, मैथ्स वैथ सब आपका इसी में कवर होता है. सो द एम इज वी वॉन्ट टू मेक इंडियाज डिफेंस मेनिया इंडियाज लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल. क्योंकि भैया आपने सपना वर्दी का वीडियो देखी होगी, एजुकेशन पे सभी का हक है और ये सबके लिए ही होना चाहिए. सो जाओ और जाके इधर इनरोल मारो. बाकी कोई दिक्कत होगी तो मुझे अपने मेरे नंबर बता देना. सेम विद द एफकेट कोर्स, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एंड ये भी आपका 20 नवंबर से नया बैच स्टार्ट है. चलिए अब बात करेंगे एक और क्वेश्चन की. देखो कैसे कैसे एक एस्पिरेंट का माइंडसेट होता है समझने की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. अब यहाँ पे आर्टिकल 352 के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे देखो, आप एक सोचो, यहाँ पे क्या है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म्ड. यहाँ पे क्या है, नेशनल इमरजेंसी. क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 352. एक इमेज में कंडीशन क्या है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिवेलियन. तो आप इसमें क्या करोगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस. आपको समझ में आ जाएगा कि भैया इसमें मेरे छांटने वाली चीज कौन सी है, ठीक है. तो नॉट, आप यहां पे देखो, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिवेलियन, ये तीनों तो आ गए ना, सॉरी, ये एक्सटर्नल एग्रेशन एंड, तो बचा क्या, सी. तो आपका इस लेवल का आपका ये जो तैयारी है वो हो जाता है. यहाँ पे देखो, ये तीन क्वेश्चन आप सामने से देखो, रेफ्रेक्शन, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम बस स्टैंड एंड ये, और बस ये दो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर. ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सीधा एक फॉर्मूला लगेगा, क्या दिया हुआ है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम ए बस स्टैंड एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, व्हाट इज एक्सीलरेशन. भैया सिंपल फॉर्मूले होते हैं कि आपके एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्सीलरेशन आपके वेलोसिटी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला लगाया आपका, एक बार में एक झटके में आंसर आ गया. सेम विद दिस क्वेश्चन, अगेन आपको काउंट कराने के लिए ये 1 2 3, व्हाट यू पता है, मैपिंग लोग बहुत बोल रहे होते हैं, दिस इज द मैपिंग. तीन मैप कराए हुए हैं, तीन मैप से जियो के क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं, राइट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन, बस ये मैप से ये सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं. सो दिस इज द लेवल ऑफ डिफेंस मेनिया जो कोर्सेज आपको प्रोवाइड हो रहे हैं. एंड यस, अब हम बात करेंगे आपके कट ऑफ पे कि भैया इतनी सारी चीजें तो हो गई. आप देख सकते हो, वीडियो को मतलब मार्क करके देखना कि भाई कितने क्वेश्चन आए हुए थे. ये तो वो है जो आज जल्दी वीडियो बनाने में मैं कंपाइल कर पा रहा हूँ. अब हम बात करने वाले हैं कि आपका कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है. देखो भाई, सबसे सिंपल चीज एक आप मान के चलो कि जो आपका OTA का कट ऑफ है वो आपके 90-100 के बीच में रखो. मतलब कि इस बार चांसेस है कि 90 से भी कम चले जाए, बट सेफ साइड इज 90-100. बात करते हैं INA की एंड IMA की. सेम मैथ्स का पेपर इस बार आपका टफ था. क्या बोलते हैं इसको, टफ था. टफ का मतलब थोड़ा लेंदी भी था, तो आप कह सकते हो इसको आप अगेन रखोगे 132-135 के बीच में. मैं तो इसको 125 कर देता, बट यार अगेन एक्सपेक्टेशन मैं हायर सेट कर रहा हूँ ताकि आप मतलब झूठी उम्मीद लेके ना बैठ जाओ, ठीक है. एंड AFA हमेशा आप 150 प्लस में चले जाओ, 145-150 के बीच में. एक डिटेल्ड वीडियो का ही प्लान करूँगा जिसमें बस कट ऑफ की बात होगी. तो ये ओवरऑल आपका एक एनालिसिस रहा एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. 100K के बहुत करीब हैं, जल्दी सब्सक्राइब मारो और पूरा करा दो. थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद.